मोदी सरकार पर शिवसेना का अब तक का सबसे बड़ा हमला। शिवसेना ने मोदी सरकार को क्यों कहा ठग्स ऑफ हिंदुस्तान। राफेल डील पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद बीजेपी भले ही जश्न में डूबी हो, लेकिन विपक्षी दल इस मुद्दे पर केंद्र सरकार, खास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगातार हमलावर हैं। इतना ही नहीं, इस मामले में केंद्र और महाराष्ट्र सरकार में बीजेपी की सहयोगी शिवसेना ने भी अब मोर्चा खोल दिया है। दरअसल राफेल मुद्दे पर शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने केंद्र की मोदी सरकार पर अपने ही अंदाज में हमला बोला है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में लिखे संपादकीय में केंद्र सरकार को ठग्स ऑफ हिंदुस्तान की उपमा दे डाली है। उद्धव ने लिखा है कि जिस तरह बोफोर्स का भूत इतने सालों बाद भी कांग्रेस और गांधी परिवार का पीछा नहीं छोड़ पा रहा, उसी तरह राफेल ने भी मोदी सरकार की गर्दन पकड़ ली है। 5 राज्यों में मिली हार के बाद बीजेपी सूतक में चली गई है और ये सूतक कम से कम महीने भर चलेगा। बीजेपी पर हमला बोलते हुए शिवसेना ने सवाल पूछा है कि आखिर राफेल मामले पर देश को किसने फंसाया है। उद्धव ने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को समझना होगा, किसी को भी क्लीन चिट नहीं दी गई है। अब इसी सर्वोच्च नतीजे पर बीजेपी का बूमरैंग हो गया है। बंद लिफाफे में सरकार ने राफेल सौदे के बारे में जो जानकारी कोर्ट के सामने लाई, उसी पर निर्भर रहकर कोर्ट ने अपने विचार रखे, लेकिन बंद लिफाफे की जानकारी अर्धसत्य थी और कोर्ट ने कुछ तो गलत अर्थ लगा लिया है। मोदी सरकार बेनकाब हो चुकी है और ठग्स ऑफ हिंदुस्तान नाम की फ्लॉप फिल्म दिल्ली में फिर से चमक उठी है। शिवसेना का यह करारा तीखा हमला मोदी सरकार के लिए किसी आफत से कम नहीं है। राफेल डील में सुप्रीम कोर्ट का फैसला अपने पक्ष में आने के बाद भले ही बीजेपी चहक रही हो, लेकिन अब उसी फैसले पर खुद उसके सहयोगी दल जिस तरह से बीजेपी की धज्जियां उड़ा रहे हैं, ये बीजेपी के लिए चिंता का सवाल है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।